खाना है। भाभी थोड़ी दाल देना। पापा, टीचर ने कहा है कि इस हफ्ते स्कूल की फीस जमा करने की आखिरी तारीख है। भैया कितने पैसे चाहिए आपको? कम से कम 5,000 रुपए। 2 महीने से नंदू की स्कूल की फीस नहीं गई है, और अभी अगर फीस जमा नहीं की तो इसका नाम स्कूल से कट जाएगा। तो समझ में नहीं आता कि पैसे कहाँ से लेकर है। ऊपर से 24 घंटे बाँ के बिहारी के नाम की तलवार गर्दन पे लटकी रहती है। अरे 3 साल पहले 1 लाख रुपये बीच के लिए उधार लिया था, जो कि सूद समझ बढ़ के 5 लाख रुपये हो गए। तो उधारी के चुकने का नाम ही नहीं लेता है। भैया आप टेंशन मत लीजिए, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। भैया मने मत करना। ये क्या है भैया? ये माधुरी कुछ कहने, इसे गिरवी रख के आप नंदू की फीस जमा कर देना। नहीं भैया, कुछ भी हो जाए लेकिन नंदू का नाम स्कूल से कटना नहीं चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं देवर जी? हम ये गहने कैसे ले सकते हैं? ये माधुरी के गहने हैं। कल को आपके भी तो बच्चे होंगे ना, आप ये उनके लिए रखिए। हम आपसे गहने नहीं ले सकते, बोलिए ना जी। नहीं आनंद, हम इसे नहीं ले सकते। भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? और भाभी आप भी है, नंदू मेरी बच्ची नहीं है क्या? मैं उसका चाचा हूँ। अरे इतना तो कर ही सकता हूँ। भैया पकड़े, आपको मेरी कसम, अरे आपको जरूरत है इसकी। थी आपको मेरे गहने यूं मुझसे बिना पूछे देने की? अरे मुझे तो समझ में नहीं आता है, अगर औकात नहीं है तो क्या जरूरत है लड़की को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की? कौन सा कलेक्टर बन जाएगी? अरे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, मुफ्त में पढ़ लेगी। धीरे बोल भैया, सुन लेंगे। अच्छा धीरे बोलने से मेरे गहने वापस आ जाएंगे क्या? हाँ कौन भैया? तुम्हारी भाभी भी कह रही थी ये गहने भी वापस ले लो। लेकिन भैया इसकी तो आपको जरूरत थी अभी। अरे इसकी मुझे भी कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे अभी अपने पास रखो। और माधुरी हमारे घर की बेटी तो है, और वैसे भी एक बेटी को दुखी करके दूसरी बेटी की खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। जहां तक बात पैसे की है तो उसका हम इंतजाम कर लेंगे, कोई भी नया रास्ता निकालेंगे, लेकिन माधुरी को उदास करना सही नहीं है। चलो तुम आराम करो। हाँ भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरे गहने वापस आ गए। वो खाद मंगा लिया मैंने, परसों खाद डलवा देते हैं। ठीक है भैया, लेकिन इस बार ना हम मजदूरों को बुलाएंगे नहीं, खुद बिखेर लेंगे। अरे तो बीज खुद से? हाँ पैसे बचेंगे भैया, पैसे की दिक्कत चल रही है आजकल हमें। हाँ ये भी ठीक कह रहे हो, काफी पैसे बच जाएंगे। अरे आनंद, अरे रुक तो सही। अरे रवि, नई बाइक, नए कपड़े। क्या बात है, शहर जाके तुम लोग बदल गया? पूरी तरीके से बदल गया है। क्यों, शहर में कोई लॉटरी वोटी लगेगी क्या? अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि मैं शहर में एक फैक्ट्री में नौकरी करता हूँ, फुल स्टार्ट है शहर की नौकरी में। अरे मैं तो कहता हूँ आप लोग भी चलो मेरे साथ, आप दोनों की नौकरी मैं लगवा दूंगा। अरे खूब चलती है मेरी वहां पे। अच्छा वो सब बात करते रहेंगे, पहले घर तो। तुम्हें बड़ी भाभी तुम्हें याद करी थी। हाँ भैया आना तो है, वैसे भी आनंद की शादी में नहीं आ पाया था, और माधुरी भाभी से मिलना भी है मुझे। कभी भी आओ। हाँ ठीक है, चलता हूँ भैया। क्या ठाट बाट है इसके? सही कह रहे भैया। एक बात बोलू? बोलो। कभी सही कह रहा है, हमें पैसे की भी जरूरत है, मैं शहर चलना चाहिए। सोचते हैं इस बारे में भी। आ चलो। ए! सारा सामान बाहर फेंको, देखो इसे मत फेंको, ये मेरे भाई की है। भैया जी ऐसा मत करिए, भैया जी हम हाथ जोड़ते हैं आपके, इस तरह हमारा तमाशा मत बनाइए। एक बार नंदू के पापा आ जाएंगे ना, वो सब ठीक कर देंगे, मैं विश्वास दिलाती हूँ। 3 साल पहले दोनों भाइयों को 1 लाख रुपए कर्ज दिया था मैंने, और आज तक ब्याज का 1 रुपए नहीं दिया उन लोगों ने। अब सूद मिला करके पूरे 5 लाख रुपए हो गए हैं, और गिरवी क्या रखा है? एक बंजर जमीन
देखो आज मैंने ठान लिया है इस घर में ना एक चम्मच तक नहीं छोड़ूंगा मैं। बाकी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब करने की? चल मेरे पहले ना 5 लाख दिला। तुम्हें पैसे चाहिए ना 5-6 महीने की मुझे मोहलत दो, तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा मैं। 3 साल में एक पाई तो दे नहीं पाए, ये 5-6 महीने में कहां चुकाओगे? कोई खजाना लूटा है क्या? खजाना नहीं लूटा है, शहर जाकर फैक्ट्री में काम करेंगे और जो भी पैसे मिलेंगे ना उसे तुम्हारा उधार चुकाएंगे। क्या आप लोग शहर जाएंगे? हाँ चल ठीक है, दिया मैंने 6 महीना, लेकिन अगली बार आऊंगा ना तो इस घर में जो मिलेगा ना उसे उठा कर ले जाऊंगा, चाहे वो औरत हो या बच्ची। ओ बाके तमीज से बात करियो, सुनना है? है? आवाज नीचे कर। ए! चलो रे। नंदू एक गुड़िया मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। रवि चाचा। नंदू बेटा जरा इधर आना। जा बेटा मम्मी बुला रही। रवि तुम कोई शहर में नौकरी के बारे में कह रहे थे। भैया बिल्कुल सही फैसला लिया आपने, शहर में 25-30 हजार आराम से मिल जाएगा आपको। ठीक कह रहे हो, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5-6 महीने में काफी पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ भैया दोनों भाई मिलकर नौकरी करोगे ना तो जो पैसा कमाओगे वो सहरामी के मुंह पे मारो। अरे भैया वो सब तो ठीक है, एक बात बताओ घर में 2 औरतें हैं एक बच्ची है, इनकी देखरेख कौन करेगा? अरे भैया उनकी फिक्र आप मत करो, मैं हूं ना मैं सब संभालूंगा। तो भैया ठीक है ना, शुभकामनाएं दे रही क्यों? तुम आज ही बात कर लो भैया। अरे अभी करो। अभी करता हूँ, अभी करता हूँ भैया। ये भी लीजिए जी। हाँ। ये जो आप जा रहे हैं ना हमको और नंदू को छोड़कर, नंदू को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और नंदू की माँ को? नंदू की माँ को पूछता ही कौन है? अरे आरती सिर्फ 4-5 महीने की बात है, उसके बाद हम उसका उधार चुका देंगे और फिर वादा करते हैं कि हम तुम्हें और नंदू को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पक्का वादा? पक्का वादा। अरे नंदू आजा। पापा आप नंदू के लिए शहर से क्या लाओगे? नंदू के लिए शहर से? हाँ हम अपनी नंदू के लिए शहर से बोलते हुए गुड़िया लाएंगे जो हमारी नंदू से ढेर सारी बातें करेगी। सच्ची की बोलते हुए गुड़िया? और तब तक मेरी नंदू ये माला अपने गले में डाल के रखेगी। आरती ये हार इसके गले से कभी मत उतारना, ये हार इसकी हर बुरी नजर से रक्षा करेगा। ठीक है जी। चलो जाओ खेलो खेलो जा जा। सही किया जो आप दोनों ने ना शहर जाने का फैसला लिया है, और हाँ आने की ना जल्दी मत मचाना, जितना हो सके उतना कमाना और लाखों में कमा कर लाना। मैं अपने लिए पूरे 2 तोले सोने का सामान लूंगी। क्यों जी बना के दोगे ना? अरे मेरी जान अब जो भी करना है सिर्फ तेरे लिए तो करना है मुझे। हाँ अब शहर जाऊंगा सब पैसे कमाऊंगा। अरे आनंद जल्दी आओ भाई बस छूट जाएगी। हाँ भैया आता हूँ। अपना ख्याल रखना जी। आरती नंदू का ख्याल रखना और अपना भी, ठीक है? पूरे घर की जिम्मेदारी तुम पर है। चलो ठीक है भाभी निकलते हैं। ठीक है जी
आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और खाना समय पे खाइएगा। हाँ तुम चिंता मत करो और तुम लोग अपना ध्यान रखना, ठीक है? हाँ नंदू। पापा मेरे लिए आप गुड़िया जरूर लाना। हाँ बोलती हूँ गुड़िया ना, वो तो मैं जरूर लेके आऊंगा, पर एक मिठू दो। चलो चलता हूँ आरती। फोन करती रहना है। जी। अच्छा चल चल ओके। अरे भैया वो एक किलो चावल, एक किलो अरहर की दाल और हाँ मूंग की दाल भी दे देना। ऑर्डर तो फर्राटे से मार रही है, जेब में पैसे हैं भी या फिर खाली हाथ? भैया खाते में लिख लेना। अरे कौन सा खाता, पिछले दो महीने का हिसाब तो चुकाया गया नहीं। कि क्या हिसाब हिसाब लगा रखा है, हमको एक भाग थोड़ी ना जाएंगे। जैसे ही शहर से पैसे आएंगे सारा हिसाब चुका देंगे आपका। सामान भी तभी उठा के लेके जाना। क्या भैया अपनों से भी कोई इतना हिसाब करता है क्या, इतना सुनाता है कोई अपनों को? नहीं चाहिए उधार उधार आपसे। अरे हम नकद रखते हैं नकद। अरे भाभी जी को जो चाहिए ना वो सब दो उनको। अरे हमारा दिल भी बड़ा और हमारी जेब भी। ये पैसे आप देंगे? अरे एक ही बात है, आप हमारी फैमिली तो हैं। भैया एक लीटर सरसों का तेल और हाँ पापड़ भी देना। ये लीजिए आपका सामान। भैया कितना पैसा हुआ इनका? 847 रुपए हो गए। ये लो पूरा 1000, बाकी रखो आप अपने पास। अरे बड़ा दिल है हमारा। ये मुझे दे दो सब, ये सब मुझे दे दो। राम राम माधुरी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अरे वाह इतना प्यारा चाबी का गुच्छा, पूरे 2000 का है। 2000 का? अच्छा है, सोने का है? चांदी का है लेकिन सोने का पानी चढ़ा है। चलो मैं चलती हूँ। ये बाइक आपकी है? बैठोगी आप? बिठाएंगे तो बैठ जाऊंगी। अरे आपकी के लिए तो है ये बाइक। चले ये लीजिए सामान अपना। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, आप अंदर आइए। अरे कोई बात नहीं, अभी चलता हूँ भाभी जी, मैं फिर कभी आता हूँ। अरे लेकिन चाय तो पी के जाइए आप। अरे कोई बात नहीं, वो भाभी जी मुझे बाजार में देख गई थी, इतना सामान उठाए हुए थे तो मैं सोचा अपने साथ बाइक पे ले आता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं फिर चलता हूँ जी, फिर कभी आता हूँ चाय पे जी। अरे तुम तो बहुत तेज निकली, मुझे तो लगा बनिया फिर मना कर देगा। भाभी उसने तो मना ही कर दिया था और पूरे बाजार में मेरी बेइज्जती भी की। वो तो भला उस रवि का, उसने पूरे सामान की नगद उस बनिए के मुंह पे मार दिए। रवि ने पैसे दिए? हाँ भाभी, और तुमने उसे देने दिए तो फिर मैं क्या करती, मेरे पास तो थे ही नहीं। तुम्हें उससे पैसे नहीं लेने चाहिए थे माधुरी। औरत का काम घर की इज्जत बचाना है, ऐसे पराए लोगों से पैसे नहीं ले सकते हम। अगर इज्जत की इतनी ही पड़ी है तो जाके हिसाब कर दो उस बनिए का, उधारी पे सामान क्यों मंगवाती है? ऐसा कोई घर परिवार नहीं होता जहाँ तकलीफें नहीं होती। भैया अब के बसंत शादी कर ही लो, उम्र हो गई है तुम्हारी,
और घर संभालने के लिए दुल्हन भी तो चाहिए ना, हम चावल चढ़ा के आते हैं और आपके लिए चाय भी बनाते हैं, पिएंगे ना? बिल्कुल। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।